ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह दुआ दुआ किचन में हूं। क्या ये सब? क्या हो गया? अब क्या कर दिया मैंने? मैंने तुम्हें सूट प्रेस करने के लिए कहा था, तुमने पता नहीं किस कलर की ये कौन सी शर्ट तुमने आयरन कर दी। मैंने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, मैं क्या पहन के जाऊंगा? आपने मुझे बताया नहीं कि आज आपकी मीटिंग है, और आज तो सैटरडे है ना, तो वीकेंड पे तो आप ऐसा ही ड्रेस पहनते हैं, इसलिए मैंने ये शर्ट। अब ये सब कुछ भी मुझ पे डाल दो कि मेरा कसूर है। ये जब से तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पे रहने के लिए आई है ना, तुम्हारा ध्यान कामों में नहीं है, पता नहीं क्या तुम करती फिरती हो यहाँ। आप मुझे बस दो मिनट दें, मैं आपको दूसरी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। आप तब तक नाश्ता कर ले, नाश्ता रेडी है, आ जाए डाइनिंग पे, जल्दी से आ जाए, बस दो मिनट लगेंगे। दो मिनट कंपनी को कहोगे दो मिनट लेट आऊंगा? मेरे अब्बा की कंपनी है वो। गुड मॉर्निंग, आज तुम सुबह सुबह उठ गए? तुम्हारे लाउड स्पीकर शोहर के होते हुए इस घर में कोई सो सकता है क्या? से बाय द वे, रोजाना किसी न किसी बात का बहाना बनाकर चीखना उसकी आदत है क्या? नहीं, पहले से कहाँ ऐसी आदत है। तुम जानती तो शरिया यूनिवर्सिटी में कितना मरते थे मुझ पे। मरता तो था। मुझे ऐसा लगता है शहरयार को ना बच्चों की कमी महसूस होती है। शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाई। हाँ तो इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना, शहरयार ने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया, क्या पता अब भी औलादी शहरयार की वजह से हो। इससे सारे हमारे देख जैसे ही होते हैं, औरतों पे चिल्लाना ना अपनी मर्दानगी समझते हैं। आदिल को नहीं देखा था कैसे रोज रोज के तमाशे। थैंक गॉड तलाक लेके जान छुड़वाई है मैंने। नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो शरियार से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और फिर तलाक लेके दर बदर भटकने से बेहतर है ना कि इंसान इज्जत से शोहर के घर में रह ले। मार दिया ना ताना, चली जाऊंगी। अम्मा और भाभी के सर से ये जो दूसरी शादी का भूत है ना, वो उतर जाए तो चली जाऊंगी। Don't you worry। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम नाराज हो रही हो। नाराजगी ही बात नहीं है, सुबह सुबह शहरयार ने तुम्हें मेरा ताना मारा और अब तुमने। वैसे कोई किसी के घर में इतने दिन कैसे रह सकता है। चली जाऊंगी। सॉरी ना, नाराज मत हो। बल्कि तुमने तो सही किया, आदिल जैसे इंसान के साथ रहना आसान थोड़ी ना।
अच्छा किया खुद को मेंटल टॉर्चर से निकाल लिया। मेरी तो बस इतनी दुआ है कि तुम अपनी लाइफ में सेट हो जाओ और तुम्हें बहुत अच्छा शौहर मिल जाए। दुआ प्लीज, अम्मा और भाभी के लेक्चर से तंग आकर मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ और अब तुम भी शुरू हो गई हो। वैसे भी शादी के बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है और मैं खुश हूँ। अच्छा एक काम करो, एक कप चाय मिलेगी, सर दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। वैसे सिर्फ चाय लोगी या नाश्ता भी करोगी? नहीं सिर्फ चाय। ठीक है अभी बना के ले। अम्मा अगर एक बार भी तुमने उस घटिया इंसान का नाम लिया ना तो मैं इस सिम बदल लूंगी और तुम मुझे ढूंढती रह जाओगी, कह दे रही हूं। और वैसे भी भाभी को बोल दो अपने भाई के लिए ना कोई और लड़की तलाश कर ले, मैं ही क्यों करूं उससे शादी। अरे तू है कहां? तेरे भाई भाभी ने मेरी जान अजाब में डाल दी है। देख वापस आ जा, तू जानती नहीं है तेरी भाभी ने तुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया है। कैसा इल्जाम? अरे वो तो यहाँ सारे जमाने में ढंडोरा पीट रही है कि तू उसका जेवर चुरा के भागी है। तूने उसके भाई से काफी कैश भी उधार ले रखा है। हाँ लिया है साजिश से कैश और भाभी का जेवर भी चुराया, जो करना है कर लो। वैसे भी मेरी मोहब्बत का दम भरता था ना, चार पैसे क्या दे दिए, सारे जमाने में ढंडोरा पीटता फिर रहा है। मारिया देख शराफत से वापस आ जा वरना तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। अम्मा जब मर जाओगी ना तब बता देना, मुंह भी देख लूंगी तुम्हारा। भाई ये क्या तमाशा है, ये गमला यहाँ पर टूटा क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे पहुंचा कैसे, आया कैसे, कौन लेकर आया था? घर की हालत बदतर से बदतर होती जाए, मजाले कोई चीज अपने ठिकाने पर मौजूद हो। भी सफाई वाली तुम्हें मयसर है, दुनिया की हर सहूलत तुम्हें दी गई है। मेरी बस होगी मैं तंग आ गया और ऊपर से अब ये नई बकवास देखो। शरियार साफ कर तो रही हूँ और मुझे पता है कि आपको सफाई और ये सब मेस पसंद नहीं है। वो गलती से मारिया से गिर भी मारिया व्हाट मारिया आई डोंट नो। वो क्या सारी जिंदगी के लिए यही हमारे घर पे आके उसने डेरे जम? नहीं शरियार ऐसी बात नहीं है, बस कुछ ये हॉस्टल नहीं है, इट्स होम, इट्स माय होम और उसको नीट और टाइडी रहना चाहिए। सॉरी दुआ, मेरी वजह से तुम्हें शेरिया की बातें सुनना पड़ी। एक्चुअली मैं साफ करने आई रही थी, बस अम्मी की कॉल आ गई। कोई बात नहीं, तो आदत सी हो गई है शेरिया के इस रवैये की। मैं अम्मी से एक इम्पोर्टेंट बात ही करना भूल गई, कॉल करके आती हूँ। शहरयार के बड़े नखरे, अपने आप को समझता क्या है, किस बात का गुरूर है इसे? खैर गुरूर तो बनता है, जवान है अच्छा कमाता है और फिर बेचारे को रोज दुआ जैसी कुन जहन लड़की के साथ तक होना पड़ता है। मुझे तो अब शहरयार पर तरस आ रहा है। सीमानिया बीबी ये भाभी का जेवर और कैश कब तक चलेगा? मुस्तकिल ठिकाने की जरूरत तो तुम्हें भी है और इस घर से बेहतर ठिकाना भला और क्या हो सकता है? शहयार साहब आप अपनी बीवी से तो पहले ही तंग हो, बस जरा से खींचा तानी और फिर इन दोनों का रिश्ता कच्चे धागे की माने टूट के बिखर जाएगा। और ये सारा ठाट पाट मेरा। मारिया शेरियार चला गया? हाँ वो तो चला गया, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कल शेरियार की बात सुन ली थी ना,
इसलिए पहले जॉब की तलाश और भी घर की। मारिया, शरियार की बातों को दिल पे मत लिया करो। दुआ प्लीज प्लीज, अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, फिर बात करिए। बाय। एक्सक्यूज मी शेरियार, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है। आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मगर आपको जाना कहाँ है? आप चले तो सही, मैं आपको बताती हूँ रास्ते में। आ जाइए। थैंक यू। वैसे शैया, मैं जानती हूँ दुआ आपको वो सब खुशियाँ नहीं दे पा रही जिसका आप राइट रखते हैं। मतलब? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होती, उनमें जलना कुड़ना देयर इज नो पॉइंट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे आपका पूरा इख्तियार होता है, जैसे एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को जाने। एंड स्पेशली बीवियां अपने शौहर के लिए तैयार हों, खाना बनाएं, टाइमली सोना जागना, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। वैसे मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में बोलने का राइट तो नहीं है, लेकिन पर्सनली आई फील दुआ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अच्छी बीवी साबित होना भी हर लड़की के बस की बात नहीं है। इसके लिए समझदारी और अकलमंदी की जरूरत होती है। वैसे पार्टनर तो वो ही होता है जो एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख सकता हो, वरना तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अपनी जगह पे, लेकिन खैर मुझे बहुत अच्छा लगा इस मामले में किसी ने मेरा पर्सपेक्टिव भी समझा। और दुआ क्या कह सकते हैं, दुआ असल में पहले ऐसी थी नहीं, लेकिन ये थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ी बदलती जा रही है। व्हाट कैन आई से, हो सकता है शायद वो आपसे बोर हो गई और किसी और में इंटरेस्ट ले रही हो। नहीं नहीं नहीं, दुआ ऐसा कर ही नहीं सकती। दुआ बेसिकली इस टाइप ही की नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं तो बस यूं ही एक बात कह रही थी। यू राइट। अच्छा शेर यार, आगे से जाके लेफ्ट, यू कैन ड्रॉप मी। जी। दुआ कहाँ हो यार? दुआ। हाँ, यहाँ किचन में हूँ। अच्छा, वही आ रही हूँ। कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, क्या पकाया जा रहा है? कोफ्ते बनाए हैं, शरियार के फेवरेट है, मैंने सोचा आज बना देती हूँ। कोफ्ते तो मेरे भी फेवरेट है। अच्छा, बस रेडी है, मैं तुम्हारे लिए निकालती हूँ एक सेकेंड। वैसे तुम्हारी जॉब और अपार्टमेंट कैसा रहा? बस ठीक ही रही जॉब। अच्छा ये तो मुझे तो मैं ये खा लेती हूँ, तुमने इतनी मेहनत से कोफ्ते बनाए, जाओ जाके तैयार हो जाओ, ताकि शेरियार को तुम पे प्यार भी तो आना चाहिए। कैसे, तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मैं जल्दी से जाके ना तैयार हो जाओ। जाओ जाओ जाओ, तुम ये देखो। हाँ, हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। भैया, आज कोफ्ते बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? आपको मेरे हाथ के कोफ्ते पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल हो जाए। दो चार रोज से सोच रहा था तुम्हें कहूँ, फिर पता नहीं अचानक ज़हन से निकल गया। अच्छा,
इसलिए मैंने आज जल्दी जल्दी से बना दिए। काफी अच्छा हो गया भाई, मेरा तो पहले 3-4 हफ्ते हो गए। टाइम पे है इसको। तुमने बिल्स का जैसे क्या हुआ शेर यार, ठीक से नवाला ले, ये पानी पिए। पागल हो तुम, क्या है ये, मुझसे जान तो नहीं छुड़वाना चाह रही तुम? बोलो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दिल होता कहां है, काम पे क्यों नहीं लगता? हर रोज तुम ये मुझे जिच करने के लिए नए नए बहाने ढूंढते तलाश करते फिरती हो, मसला क्या तुम्हारे साथ भाई? यार आपको तो मेरे हाथ के कोफ्ते पसंद है ना। बाहर में गया तुम्हारे हाथ के कोफ्ते, ये जहर चखा है तुमने भरा हुआ नमक से? अच्छी तरह तुम जानती हो मैं खाने में नहीं इस कदर तेज नमक पसंद करता, लेकिन मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुमने जानबूझ के इसमें नमक तेज रखा है। नहीं नहीं, नमक तेज तो नहीं है, आप ठीक से खा के देखें। आप मत कोसने दो मुझे, अपने खुदा का वास्ता खुद खाओ। शेरियार मेरी बात तो सुने, क्या हो गया? वो शेरियार को मेरे हाथ के कोफ्ते नहीं पसंद आए, तुमने खाना चखा था ना, खाना ठीक था ना? हाँ, देखो ना, तुम क्यों इस बेकार इंसान के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मुझे तो लगता है ये सब कुछ वो जानबूझ के करता है। देखो ना, इतने प्यार से तुमने सब कुछ बनाया, खुद तैयार हुई, और उसने तुम्हारे साथ क्या किया? वो तो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, तो हाँ तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं हरियाम, मैं कहाँ जाऊंगी, शेरियार के बगैर नहीं रह सकती। उफ़, ये तो बड़ी नेचड़ है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कुछ नया सोचना पड़ेगा। अच्छा रोना तो बंद करो ना प्लीज, सब ठीक हो जाए। ओह गॉड, जब देखो ऐसे मुंह बना के बैठी रहती हो। मुंह का बनावा, मुंह है ही ऐसा। ठीक हूं मैं। हाँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से शरिया सर पे चढ़ना चाहिए। मतलब ये स्वीट हार्ट कि अगर तुम उसके हिस्से को इतना इम्पोर्टेंस दोगी तो वो तुम्हें यहीं बरसता रहेगा। इग्नोर करो, अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करो। बाय द वे, अगर यूं ही सारा दिन उजड़ी उदास रहोगी तो क्या फायदा? कहीं बाहर जाओ, घुमा फिरा करो। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? थे, लेकिन सब दोस्त छोड़ दिए मैंने। जहां भी जाओ 100 सवाल पूछते, अब तक बच्चे क्यों नहीं हुए? किसे भी देखो, डॉक्टर को पता बता दे। ओ प्लीज, ऐसे तुम्हारी हर पिक्चर को लाइक किया हुआ, कमेंट भी करता है। वाओ, वो दानियाल है ना, याद नहीं है तुम्हें, हमारा सीनियर? लेकिन इससे बात किए हुए बहुत टाइम हो गया। ओहो, तो तुम करोगी तो बात बनेगी ना, वो तो कर रहा है। बाय द वे, इज ही मैरिड? आई एम श्योर शादीशुदा होगा, क्योंकि हमारा जितना भी ग्रुप था ना, सबकी शादी होगी, सबके बच्चे भी बहुत बड़े होंगे, और ये तो वैसे भी सीनियर था।
अच्छा यार, मेरे लिए एक जबरदस्ती कॉफी तो बना के लाओ, तुम्हारा मूड अच्छा करने का भी इंतजाम कर रही हूँ। लेकिन ये तुम क्या कर रही हो, उसको मैसेज क्यों कर रही हो तुम? अरे जाओ ना यार, तुम्हारा भला ही कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। गो बे प्लीज। जो भाई लेट हो रहे हैं, जाने में भी तो टाइम लगेगा। लुक एट द टाइम, गॉड वाओ, यू लुकिंग प्रिटी माशाल्लाह। अब आ रही है ना तुम्हारी शक्ल सही से नजर। लेकिन मैं ठीक नहीं कर रही, मैंने आज तक कभी भी शरियार से पूछे बगैर कोई काम नहीं किया, अगर उन्हें पता चल गया तो? दुआ, दुआ, तुम क्या शहरयार की हर वक्त माला चपती रहती हो, वो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता, और तुम क्राइम नहीं करने जा रहे, दोस्त से मिलने जा रहे। अब चलो, वो वेट कर रहा होगा, आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। नमाजों की लाज रखी, इतनी मुनाफिकत। नहीं नहीं नहीं, शहरयार को अबॉर्शन का बिल्कुल नहीं पता चलेगा, वैसे ही जैसे आज तक दुआ की हकीकत का नहीं पता चल सका। वो बेचारी मेरे रास्ते का कांटा था, शहरयार तो आज भी उसे बदचलन और बेवफा मानता है। मैंने उसका पत्ता सा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि दुआ तुम अब भी मुझे याद करती हो। ओह गॉड, और मैं बेवकूफ, मैं समझता था कि तुमने तो मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो दानियार? दुआ देखो, अब बनो नहीं, उस दिन जो फेसबुक पे तुमने मुझसे कहा है ना, उसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो नहीं, वो चैट। देखो दुआ, मुझे पता है कि शहरयार तुम्हें इतनी आसानी से मेरा नहीं होने देगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, शहरयार का जुल्म सहने के लिए मैं तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं शहरयार के साथ बहुत खुश हूँ, और शायद मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। दुआ, दुआ प्लीज मेरी बात सुनो। दुआ देखो शहरयार, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम ही ट्रस्ट नहीं करते थे। सी, दुआ किसी और में इंटरेस्टेड है, तुम अपनी आंखों से देखो। ये देखो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये दिन गिरी हुई निकलेगी। मारिया, तुम मुझे वहां अकेले क्यों छोड़ आई? कितने अरसे से सब पूछ रही, कब से मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, कब से चल रहा है ये सब कुछ? बोलो, कुछ शर्म कर ली, कुछ कब से अपनी नमाजों की लाज रखी, इतनी मुनाफिकत। शहरयार, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं?
ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मैं गलत समझ रहा हूं? अब भी तो मैं सब कुछ ठीक ठीक समझा हूं। तुम कब से कोशिशें कर रही थी मुझसे जान छुड़ाने की? ये तो मैं ही बेवकूफ था जिसने सारी जिंदगी तुम्हें जबरदस्ती यूं शादी के बंधन में बांध कर रखा। शेरियार, खुदा के लिए आप मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे। मारिया, मारिया, शेरियार को बताओ ना, दानियाल को तुमने मैसेज किया था? मैंने नहीं। दुआ, तुम इस मैटर में मुझे क्यों ड्रैग कर रही हो? अब अगर शेरियार को सब सच्चाई का पता चली गया तो इट्स ऑल राइट। तुम बता दो उसको कि तुम दानियाल के साथ खुश हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो। मारिया, ये तुम क्या कह रही हो? दानियाल को तुमने मैसेज किया था, बल्कि उसे मिलने के लिए भी उसने मुझे कहा था। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। अब मैं तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं करूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मारिया, मारिया, देखो तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें अपने घर में रखा, फिर तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज शरिया, मेरी बात थैंक यू सो मच मारिया, तुमने वाकई मुझे सुना, वरना शायद दुआ के बाद तुम इसमें जीने की चाहत में। शहरयार, दुआ का नाम मत लें, अब आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। जो करना, तुम वाकई ठीक कह रही हो। मैं, तुम और बस। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मैं गलत समझ रहा हूं? ये तो मैं ही थे जिसने सारी जिंदगी तुम्हें जबरदस्ती यूं शादी के बंधन में बांध कर रखा। कम से कम अपनी नमाजों की लाज रखी, इतनी मुनाफिकत। शेरियार, शेरियार, उठे ना। देखिए मैं तो तैयार भी हो गई। यार ऑफिस से आने के बाद कतन हिम्मत नहीं रहती कि जाने की। कल भी बाहर से खाना खाया था, घर में कुछ बना लो। किसी दिन बना लूंगी ना, अभी चले ना। खाम खासी देख गया, मुझे इतना शौक नहीं है बाहर जाके खाना खाने का। दुआ ने कभी ऐसी जिद नहीं की। अच्छा तो बहुत याद आ रही है दुआ की, जिद नहीं किया करती थी, लेकिन बेवफाई तो कर गई ना। I'm really sorry. मेरा बात करने का हरगिज ये मतलब नहीं था, मैंने इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा। अच्छा ना बाबा, 10 मिनट दो मुझे, इसका भी चेंज कर। I'm sorry ना।
याद आ रही है। दुआ कितना बेवकूफ नहीं है जो हर टाइम तुम्हें खुश करने के लिए किचन में घुस रही है। अच्छा शहरयार जल्दी आ जाए, कब से वेट कर रही हूँ आपका। ये घर की क्या हालत बना रखी है? बाहर का मेन गेट खुला हुआ है, घर का दरवाजा खुला हुआ है, शहर के हालात देखो, तुम यहाँ पर बैठ के पिज्जा खा रही हो। हाँ वो एक्चुअली शहरयार काम वाली अभी गई थी तो पता ही नहीं चला। इट्स ऑलराइट। काम वाली आए या ना आए मुझे से कोई सरोकार नहीं, घर की हालत देखो, लाउंज में कौन डस्टबिन रखे, घर में भी हमारे कभी खाना बना करेगा कि नहीं बना करेगा कि हमेशा इसी तरह बाहर से होम डिलीवरी आती रहेंगी। इस तरह तो अगर चल करवा लीजिए तुमने फूड पॉइजनिंग और मंगवाओ बाहर से खाने। मैं बैग ऊपर रख के आ रहा हूं, फिर डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। मारिया कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? उफ, मुझे बच्चों का झमेला नहीं चाहिए। क्या कहूँ शहरयार से, डॉक्टर के पास गए तो। हाँ चलो उठो। शहरयार वो मारिया उठो। जी जी आइएगा, जी जी तशरीफ रखिए। जी शहरयार साहब आपके लिए गुड न्यूज है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। थैंक यू सो मच। मैं स्पीचलेस, मैं बस इंशाल्लाह रेगुलर विजिट्स होते रहेंगे तो जैसे आप लेकर चलती रहेंगी उसी तरह हम आते रहेंगे। मैंने बरसों इस खबर का इंतजार किया है। I'm so excited. I'm so happy. तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। मैंने तुम्हें बाप बनाने का ठेका नहीं ले रखा शहरयार, ना ही मैंने तुमसे शादी बच्चों की लाइन लगाने के लिए की है। और मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि अपना सुख चैन अपना हुस्न यूं ही बर्बाद होने दूं। खामोश, तुम भी कुछ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ। देखिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि हमारे क्लिनिक में ये सब नहीं होता है। सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या आप अब भी मुझे इनकार करेंगे? अब मैं क्या कह सकती हूँ, मजबूरी का नाम शुक्रिया। मैं आपका फॉर्म फिल कर देती हूँ और अपॉइंटमेंट की डेट आपको दे दूंगी, आप आ जाइए। थैंक यू। यू वेलकम। अरे नहीं यार, पैसों से सब काम हो जाता है। पहले तो डॉक्टर ने बड़े नखरे दिखाए लेकिन जब मैंने उसे नोटों की हवा दी तो झट से मान गई।
वैसे इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर शहरयार 9 साल से बेऔलाद है, हाँ मैं क्या करूँ? बच्चा पैदा करूँ उसके लिए, हांडी चूल्हा करूँ? अगर यही सब कुछ करना था मुझे तो आदिल का ऑप्शन बुरा था क्या? वैसे भी पता है ना यार, सब मर्द एक जैसे होते, पता नहीं इनको बाप बनने का क्या शौक होता है। नहीं नहीं नहीं, शहरयार को अबॉर्शन का बिल्कुल नहीं पता चलेगा। वैसे ही जैसे आज तक दुआ की हकीकत का नहीं पता चल सका, वो बेचारी मेरे रास्ते का कांटा था। शहरयार तो आज भी उसे बच्चलन और बेवफा मानता है। मैंने उसका पत्ता सा शहरयार, वो तो आजकल मेरे पांव दूधों के भीतर। क्या कर रहा है? कुछ दिन बीमारी का बहाना करूंगी और कह दूंगी कि मिस कैरेज हो गया, जो अल्लाह को मंजूर है ना शहरयार। शहरयार आप इतनी जल्दी? तुमने मेरे बच्चे की जान ली, घटिया औरत, तुम्हारे जरूरत से फोन लेकर करने की नहीं छोड़ दे तुम्हें। छोड़े मुझे शहरयार, कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें? डायन हो तुम, डायन हो। तुमने मुझे और दुआ को बर्बाद करके रख दिया। जाने वो किस हाल में होगी। तुम्हारे कहने पर मैंने उस पाकीजा और मासूम बीवी को छोड़ा है, उस पर इल्जाम लगाया है। यीशु की बद्दुआ है, यीशु की बद्दुआ है कि आज फिर मैं एक दफा औलाद की नस्ल से महरूम हो जाऊं। तुम पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मारिया, और ये गलती अब मैं ही सुधारूंगा। ये गलती मैं सुधारूंगा। मैं तुम्हें नहीं जरा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। कैसे कब कहां बंदा ये खो गया, ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा। अब सुन ले तू दिल की दुआ, अल्लाह अल्लाह कर बंदिया। दुआ का तो शहर में कोई है भी नहीं, न जाने कहां गई होगी। या मेरे अल्लाह, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। मैंने दुआ जैसी नेक सीरत बीबी को ठुकरा कर मारिया जैसी डाइन को बना ली। तेरा बंदा जमीन पर खुदा बन गया, तूने कैसा बनाया था क्या बन गया। दिन उलटता है तू, शब पलटता है तू, आज दिल भी पलट कर दिखा। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा। अब सुन ले तू दिल की दुआ, अल्लाह अल्लाह कर बंदिया।
मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बुजुर्ग हूँ, मैंने तुमसे झूठे इल्जाम भी लगे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर। मुझे मालूम था कि आप आएंगे। मुझे अपने रब पे पूरा यकीन कि वो अपनी कुदरत से मुझे आपकी नजरों में बेगुनाह साबित करेंगे। या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। अल्लाह का शुक्र। मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहां बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा। अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह।